তাইন্দ্রিয় মালিকার চার জানি মানি যে মল্লাইকার অত হইয়ে গবড়ু ভাই খালি কই কামাই বুড়া উবাড়া খেলাড়ি বাড়া আরে শ্বশুরে মে শুনি লপকি মকান বা যাতে ঘর মড়াই ছাওয়ে লাগল বল জোরি সে গাওয়ান। आप कह रहे हैं कि जो नए जनरेशन लोग हैं अगर ऐसे लोगों के हिसाब से अगर गाना नहीं गाया जाएगा तो लोग चले जाएंगे, नहीं सुनेंगे। और आपके गुरु हैं माननीय काशीनाथ एमएलसी साहब जी। अब आज की डेट में बीड़ा उठाए हैं कि जो आज की जो गवैया हैं और वो काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बीड़ा को बचाने के लिए 3 दिन लगातार महीना बीड़ा गाएंगे। बिल्कुल, इस पे क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पहले बीड़ा होती थी ऐसी बीड़ा होना। कहने वाले पुचुतिया हैं, जो भी हो चुतिया, जो किसी के विषय में अगर गलत सोचेगा खुद गलत। नाम लेंगे तब तो उनका भाव बढ़ जाएगा। अच्छा। नाम नहीं लेना चाहिए अपने विरोधियों का। माननीय नेता जी कहे थे, माननीय लोहिया जी ने कहा था कि जिसको समाप्त करना चाहो उसका नाम लेना बंद कर दो। उनकी सोच अलग है और उस सोच का मैं भी समर्थन करता हूँ, लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि नए जनरेशन वालों के लिए अगर हम लोग कुछ नहीं गाएंगे तो लोग सुनेंगे नहीं। खाए पिए खातिन के हम कहे ना कि पूरा हस्ती बिक जा जी, बाकी कमजोरी खाना मत करा। खियाई ला खूब चाप के ना, हम कहे ना कि पूरा हस्ती हमार खा जाए ठीक है। हाँ, पूरा हस्ती खा जा, पूरा कुछ खा जा, लेकिन मैंने कमजोरी मत रहे। हैं नमस्कार, मैं हूँ कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस वक्त मैं मऊ जिला के कोपागंज के सोनराइच गाँव में हूँ और ये जो घर दिख रहा है आपको हमारे पीछे, ये घर बिरहा जगत के एक बड़े ही सुपरस्टार कलाकार धर्मेंद्र यादव जी का घर है। और धर्मेंद्र यादव जी का भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे और ऐसे में राम समूह यादव भी एक बिरहा गायक है वो, और ये दोनों लोग थे साथ में, एक्सीडेंट हो गया, कहीं गिर गए, लेकिन एक्सीडेंट के वक्त इनको थोड़ा सा काफ़ी चोट आ गई और तबीयत काफ़ी बिगड़ गई इनकी, और ऐसे में हॉस्पिटल में कई दिनों तक भर्ती रहे। काफ़ी गंभीर चोट थी, लेकिन डॉक्टरों के सहयोग से हॉस्पिटल में अच्छी दवाई की वजह से धर्मेंद्र यादव इस समय बिल्कुल फिट हैं। तो यहाँ पे आए देखे कई कलाकार और भी हैं, सुरेंद्र यादव जो बिरहा सम्राट हैं, महुआ टीवी के जज भी रहे हैं जो बिरहा दंगल हुआ था उसमें, एक बड़ा नाम है, जहाँ तक बिरहा है वहाँ तक नाम है सुरेंद्र यादव जी को भी आए हैं। और भी कई कलाकार हैं, राम कुंवर यादव जी हैं और देख सकते हैं यहाँ पे विजय लाल के साथ में संगत करने वाले हमारे बड़े भाई राम कुंवर यादव जी भी हैं, उधर दिनेश पांडे भी जी हैं और धर्मेंद्र भाई हैं और धर्मेंद्र जी के पिताजी हैं और धर्मेंद्र यादव के गांव के प्रधान जी हैं। तमाम लोग यहाँ पे आए हैं इनका हाल चाल जानने के लिए, चूंकि जो एक्सीडेंट इनका हुआ था काफ़ी गंभीर एक्सीडेंट हुआ था और ऐसे में कई सारी अफवाह भी उड़ाई जा रही हैं कि धर्मेंद्र यादव घायल होने के बाद अब बिरहा गाना बंद कर दिए हैं। सच्चाई क्या है, यही चीज़ को हम जानने के लिए पहुँच गए इनके गाँव पे। अच्छी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ऐसे में बिरहा सम्राट सुरेंद्र यादव जी भी यहाँ उपस्थित हैं, तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो अब धर्मेंद्र यादव हमारे सामने हैं और देख सकते हैं इनके आंख के बगल में ये जो बड़ा सा चोट लगा हुआ है, कई सारा टाका, कितना टाका लगा था? सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में धर्मेंद्र भाई। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश भैया और जितने दर्शक बंधु हमारे हमको सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं जी, इस आपके इस चैनल आधुनिक भारत के माध्यम से जी, मैं सारे लोगों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस दुख के घड़ी में अपना आशीर्वाद देकर के मुझे अच्छा कर दिया जी। आपको चोट लगी थी काफी, तो हम पहले जानना चाहेंगे कि एक्सीडेंट आपका कैसे हुआ, कब हुआ ये? 26 तारीख को शाम के वक्त में हम आ रहे थे जी सिपा से, मधुबन से जी, और घोसी बाजार में हम थे 7:30 बजे शाम के समय। अच्छा। राम समूह गायक मोटरसाइकिल चला रहे थे, पीछे मैं बैठा था, पैशन गाड़ी थी तो पैशन गाड़ी की सीट थोड़ी ऊंची होती है पीछे की जी, और आगे की थोड़ा नीचे होती है। राम समूह कद में भी छोटा है, मैं लंबा भी हूँ और अंधेरा हो गया था, 15 या 20 की स्पीड में गाड़ी थी। मैं इधर से जा रहा था, सामने से वो ऑटो रिक्शा आ रहा था, वो जो बैटरी वाला है, और उसके छत पर कटरेन लादा था लोहे वाला करकट, और जब करीब में आया तो पार होने के लिए वो मोड़ दिया और कटरेन आगे निकला था और राम समूह तो बच गए, आ करके मेरे सर पर वो टक्कर हुआ। अच्छा। और इतना जोरदार हुआ कि कटा तो मैं ये समझा कि बगल में कोई गाड़ी एक्सीडेंट की है, ये नहीं लगा कि मेरे सर पर लग रहा है जी। गाड़ी से नीचे जब उतर गया तो खून का एकदम धारा बहने लगी, तब मैंने हाथ को, दोनों हाथ से चोट को पकड़ा, तब तक ड्राइवर को लोग मारने लगे। अच्छा। मैं पकड़ करके और दौड़ते हुए गया, कहा कि भैया अब तो जो हो गया उसको मारो मत,
मर जाएगा, इतने लोग टूटे थे कि गलती है गलती। हम कह रहे छोड़िए भैया, आप जिसकी भी गलती, बेचारा गरीब आदमी है उसको छोड़िए। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में हमको लेकर गए लोग, खून नहीं रुक रहा था, एम्बुलेंस में लेकर के सदर हॉस्पिटल मऊ गए। वहां जाने के बाद 40 डाका लगा, लोग रेफर कर रहे थे बनारस के लिए। तो एक्सीडेंट होने के बाद इतनी चर्चा हो गई चारों तरफ, चूंकि मैं गायक हूँ और मेरे क्षेत्र का बात था, चारों तरफ फोन से लोग चर्चा कर दिए। तो हमारे चाहने वाले लोग सारे लोग जुट गए, बताए कि कलाकार आदमी है। और मैं खुद बोला कि ठीक है भैया, हमें भेजो बनारस, लेकिन पहले मेरा खून तो रोक दो, जाते जाने में 3-4 घंटा समय लगेगा, टाका लगाओ, इंजेक्शन लगाओ ताकि खून रुक जा। तो कितना टाका लगा आपका इसमें? 40 टाका लगा। 40 टाका लगा जी, बाप रे, 40 टाका लगा, टाका लगा। कितने दिन में स्वस्थ हो गए फिर आप? मैं तो 10 दिन में स्वस्थ हो गया। 10 दिन में स्वस्थ हो गए? 10 दिन में। इतना बढ़िया डॉक्टर है, AK गुप्ता जी सर्जन है मऊ सदर में, बड़े कुशल डॉक्टर है जी। और बोले कि मैं 10 दिन में आपको ठीक कर दूंगा। अच्छा। और मैं ठीक भी हो गया, अच्छा भी हो गया, लेकिन बोले कि 10 दिन और दवा आप खा लीजिए। अच्छा। मैंने पूछा कि गाने बजाने में कोई दिक्कत? कहे कोई दिक्कत नहीं, अगर गाने का आपका सामर्थ हो तो गाइए। तो मैंने इस बीच में कार्यक्रम भी करने लगा जी। कोई गाने बजाने में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, जब आप घायल हुए थे तो बिरहा समाज के, बिरहा जगत के कितने लोग आपके पास मिलने के लिए? आपसे पूरा बिरहा समाज आया हमारे पास, सभी लोग आए थे। जो नहीं आ पाए वो फेसबुक, व्हाट्सएप और फोन के जरिए हमें अपना आशीर्वाद दिए, हाल चाल जाने। और जितने हमारे गुरु जी आदरणीय सुरेंद्र यादव जी, तो रात में ही खबर पाए, तो दूरी थी, फोन करके 2-4 लोगों को तत्काल भेजे। अच्छा। सुबह में अपने आ गए, विजय लाल यादव जी फोन किए, हाल चाल जाने, बोले कि मैं लखनऊ हूँ, आ रहा हूँ। बाद में आए भी थे हमारे घर जी, और सारे लोग कलाकार आए थे, बहुत कलाकार गाजी। अच्छा, धर्मेंद्र भाई, एक चीज और सुनने में आ रही है कि अब आप बिरहा गाना बंद करते हैं, घायल जब से हुए हैं आप बिरहा गाने योग्य नहीं बचे हैं, क्या कहेंगे इस पे? कैसे, ये सच है या गलत? शेर जख्मी है, छलांग मारना नहीं भूला है। अच्छा। और जख्मी नहीं, अब तो ठीक हो गया हूँ, अब जख्मी होकर के जब सांप उठता है तो ज्यादा उसके अंदर जोर हो जाता है। अच्छा। अब तो उससे तैयारी में मैं गाऊंगा। अच्छा, मैंने तैयारी और बढ़ गई, अब बिरहा गाने लायक हो गए हैं, बिरहा गाएंगे और बढ़ गई तैयारी। तो हम चाहेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र तो बिरहा गाने लायक नहीं बचे हैं, अब बिरहा नहीं गा पाएंगे, तो उनको एक गीत गा करके थोड़ा बताने का काम करके हम अभी भी गा लेंगे और किसी से कम नहीं गाएंगे। अब आज इस दुख के घड़ी में आप आए हैं तो ये कई बात हमें याद आ रही है जो दुष्प्रचार कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर मैं कह दूं एक लाइन। अरे केहू ना बिगारी जी, अरे केहू ना बिगारी जी, आराम ना बिगरी है रे जेकर, कि राम ना बिगरी है जेकर, ए भैया केहू ना बिगारी जी, राम ना बिगरी है जेकर। अब गाना बजाना हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है गाने में, कोई थोड़ा भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कौन लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, कुछ बता पाएंगे क्या इसको? नाम लेंगे तब तो उनका भाव बढ़ जाएगा। अच्छा। नाम नहीं लेना चाहिए अपने विरोधियों का। माननीय नेताजी कहे थे, माननीय लोहिया जी ने कहा था कि जिसको समाप्त करना चाहो उसका नाम लेना बंद कर दो। अच्छा। वो खुद ही खत्म हो जाएगा, तो नाम नहीं लेंगे जी, नहीं। अच्छा। उनको भी मेरा प्रणाम है जो विरोध कर रहे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम है, ताकि वो आशीर्वाद दें कि और अच्छा मैं गाऊं जी। ठीक है, अभी सुरेंद्र यादव जी आपके यहाँ आए हैं आपका हाल जानने के लिए, हम थोड़ा सा इनसे भी चर्चा करेंगे, आप थोड़ा सा इस पे आ जाइएगा। हम पहले ही बताए दर्शकों से कि जहाँ तक बिरहा है वहाँ तक सुरेंद्र यादव जी का नाम है। महुआ टीवी चैनल में जब पहली बार बिरहा दंगल हो रहा था उसमें भी जज बनकर के टीवी चैनल में गए थे, और बहुत बड़ा जलवा है सुरेंद्र यादव जी का, किसी से दबने वाले कलाकार नहीं है, कितने बड़े कलाकार हो सबसे पूरा जोर से बिरहा गाते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल आधुनिक भारत में जी बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम है जी कि आप हमसे कुछ पूछने के लिए जी मेरे पास आए। अब क्या कहना चाहते हैं? बस अभी यही जानना चाहते थे कि धर्मेंद्र यादव है आपके शिष्य हैं, लगातार आप भी हर मंच से कहते हैं कि धर्मेंद्र यादव हमारा शिष्य है, ये भी कहते हैं कि सुरेंद्र यादव हमारे गुरु हैं, और एक शिष्य के घायल होने के बाद आप लगातार इनके साथ बने रहे, इनका सहयोग करते रहे, और आज इनके घर तक भी चल कर आए हैं,
क्या कहेंगे? धर्मेंद्र यादव को कहा जा रहा है कि बिरहा गाने लायक नहीं बचे, बिरहा नहीं गा पाएंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। अच्छा, धर्मेंद्र शुरू से ही बढ़िया गाता था जी, गाता है और बढ़िया गाएगा। हमारा बहुत आशीर्वाद है धर्मेंद्र को, धर्मेंद्र आगे बढ़े और लड़ाई के मैदान में ये नहीं होना चाहिए। हम तो समझाते हैं कि लड़ाई के मैदान में किसी से भी रह गाओ तो किसी को छोटा समझ करके मत गाना, मान करके चलना कि हम लड़ाई के मैदान में हैं और लड़ाई के मैदान में गाता है तो दमदारी से गाता है धर्मेंद्र यादव। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं धर्मेंद्र को। इस हालात में जब एक्सीडेंट हुआ हमें बहुत दर्द हुआ, शिष्य और बेटा बराबर का होता है, हमें दर्द हुआ, मैं आया हॉस्पिटल में गया, दुख सुख लिया और आश्वासन दिया कि तुम ठीक हो जाओगे, हम तुम्हारे साथ हैं, तन मन धन से सब चीज से तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हें किसी चीज की कमी होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है धर्मेंद्र जी के लिए हमारा जी। अच्छा प्रधान जी, बिरहा एक तरह से कहा जाए तो अब बुरा नहीं मानिएगा और जो भी साथी हमें देखेंगे बुरा नहीं मानेंगे, बिरहा एक तरह से देखा जाए तो बहुत छोटी इंडस्ट्री है, बहुत छोटी इंडस्ट्री आएंगे और इस छोटी सी इंडस्ट्री में भी एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है। अगर कोई घायल हो जाता है तो उसके पास सभी लोग पहुंचते नहीं है, किसी को किस प्रकार की अगर दिक्कत होती है किसी कलाकार को तो सारे कलाकार मिलकर उसका सहयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है? इस छोटी सी इंडस्ट्री में लोग मिलकर नहीं क्यों नहीं रहते हैं? ये करना चाहिए, ये जलन है हर कलाकार में, कलाकार को देख करके जी, ये ऐसा होना नहीं चाहिए जी। कोई भी कलाकार हो चाहे वो किसी अखाड़े का, इसमें भी अखाड़े हैं जी, बिरहा छोटी सी चीज है लेकिन इसका बहुत व्यापक रूप है। प्रधान जी, अखाड़ा अलग हो गया, अखाड़ा अलग है लेकिन बिरहा, बिरहा तो एक ही है ना? हाँ, बिरहा एक ही मंच पे आप भी गाते हैं, एक ही मंच पे वो भी अखाड़े का गाता है, एक ही मंच पे वो भी अखाड़े का गाता है, सब लोग एक ही मंच पे गाते हैं तो सबकी पब्लिक जो एक ही है, सबकी श्रोता एक ही है, तो फिर आपस में एकता होनी चाहिए ना। हम देख रहे हैं, लगातार देखते हैं, कई सालों से देख रहे हैं कि कभी उसको उसके खिलाफ हो रहा है, कभी उस कलाकार के खिलाफ कोई कलाकार हो जा रहा है, मतलब द्वेषता बहुत ज्यादा हो गई। सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समतामूलक समाज बना करके, भाईचारा बना करके जी, सारे कलाकारों को एक साथ में होकर के गाना चाहिए जी। ऐसे हमारे जैसा कलाकार किसी से कोई द्वेष नहीं है, सबको साथ में लेकर के गाना, सबके साथ में कार्यक्रम करना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। शुरू से मैं जब गा रहा हूँ, छोटा चाहे बड़ा कोई भी कलाकार हो जी, समतामूलक समाज बना करके, भाई बना करके जी, मैं उसके साथ गा लेता हूँ, पूरी रात गाता हूँ, कोई भेदभाव की भावना नहीं, भेदभाव भावना नहीं, कोई भावना नहीं जी। यही भावना हर कलाकार को चाहिए जी, अपनी विरहा विधा को बचाने के लिए। जब हम एक नहीं होंगे जी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते। हमको ऐसे में प्रधान जी, हम चाहेंगे कि आप भी एक कोई सुंदर से गीत गा करके लोगों को एक समझौता के रूप में एक गीत कोई गाइए कि जो हर श्रोता सुन करके संदेश के रूप में गीत, वो गीत जाए। अब तो आजकल के जमाने में जैसे कि लोग कह रहे हैं, चैनल वाले भी अपने चैनल से कह रहे हैं कि विरहा में बड़ी अश्लीलता हो गई है, बिरहा खत्म होने वाली है, या बिरहा कभी खत्म नहीं होगी। और जमाने के हिसाब से जो कलाकार गा रहे हैं, हमारे समय से, और लोगों के समझ की मैं बात नहीं करता, हमारे समय से जो नई जनरेशन के लोग हैं वो जो सुनना चाहते हैं, आज के कलाकार उसको सुना रहे हैं, और यही सुनाना पड़ेगा, वही सुनाना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हम लोग जब पहले गाते थे तो पहले की गीतों में कुछ और भाव था। एक जयश्री गवैया थे, बहुत पुराने कलाकार थे। एक चीज कहेंगे, अभी जो कहें आपकी, जो आज के लोग जो सुनने वाले हैं वही सुनाना पड़ेगा, इस पे हम एक प्रश्न बाद में करेंगे, पहले आप जो कह रहे हो उसको कह लीजिए। तो जयश्री गवैया थे, वो एक गाना गाते थे, हरवाही मितवा तोरी बर्फील मीठ मुर लवाही मितवा, चार बजे भोरवा में जाता पीसाला, घर घर देखा सोहरिया गावाला,
करे लोग घर के रखवाली मितवा तोरी बरे फीले मीठ मोर लवाही मितवा। सहारा और देहात की तुलना उन्होंने किया था उस जमाने की ये गीते थी। मकैया रे तोर गुनवा गवलो नजाला, ये सब गीते थी पहले की जमाने की। अब हम लोगों की ये मजबूरी हो गई है, हम लोग खड़ा होकर के रात भर कोई बहुत बढ़िया चीज अगर कहेंगे सुनाएंगे पढ़ेंगे कोई सुनने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। फिर भी हम लोग मिला करके नए जमाने के लोगों को भी आनंद आ जाए, पुराने जमाने के लोगों को भी आनंद आ जाए, लेकिन जो नए जनरेशन के लोग हैं अब उनके लायक नहीं होगा तो चले जाएंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो नए जनरेशन लोग हैं अगर ऐसे लोगों के हिसाब से अगर गाना नहीं गाया जाएगा तो लोग चले जाएंगे, नहीं सुनेंगे। और आपके गुरु हैं मन्नी काशीनाथ एमएलसी साहब जी, अब आज की डेट में बीड़ा उठाए हैं कि जो आज के जो गवैया हैं और वो काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बिरहा को बचाने के लिए 3 दिन लगातार महीना बिरहा गाएंगे, बिल्कुल। इस पे क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पहले बिरहा होती थी ऐसी बिरहा होना चाहिए। बिल्कुल उनका कहना ठीक है, पुराने जमाने के कलाकार हैं और उन लोग दमखम से बिरहा गाए और धीरे धीरे वो तो एमएलसी हो गए, 18 साल एमएलसी रहे, वो बिरहा गाते नहीं थे। अब जब देखे इस बिरहा की दुर्दशा को कि कलाकार गा रहे हैं तो नाच रहे हैं कूद रहे हैं, बाल मंडली बना दिए हैं, उनकी सोच अलग है और उस सोच का मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन उसके साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि नए जनरेशन वालों के लिए अगर हम लोग कुछ नहीं गाएंगे तो लोग सुनेंगे नहीं। तो सारे लोगों को मिला करके पुराने लोगों के लिए भी और नए लोगों के लिए भी अब हम लोगों की मजबूरी हो गई है, मजबूरी हो गई है। केवल अगर हम वही पुरानी विधा को अगर शुरू कर दें तो लोग सुनने वाले नहीं है। मैं अपने गुरु काशीनाथ यादव जी का सम्मान करता हूँ और जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अपने हिसाब से अपने नजरिया से वो सही कह रहे हैं, जहां तक मेरा नजरिया है मैं अपने नजरिया से बता रहा हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो अब हम चाहेंगे कि एक तो जो आपकी आज की जनरेशन के जो लड़के हैं उनके लिए गीत गा दीजिए आप, आज के आज की जनरेशन के हिसाब से। आज के जनरेशन में तो ये सब भोजपुरी गीते हैं, वही जो जो आप तो इसमें माहिर हैं, सब गाने वाले गा रहे हैं, आप तो इसके प्रिंसिपल हैं आप इसके तो। अरे हम तो तार गईली हो, वाह, सुनर बार पहली हो, हम तो रजऊ के प्यार में सवार गईली हो, ए खुशी रहे लगवारे, ए खुशी रहे लगवारे, सखी पियावा दुलारे, आए है रे सखी पियावा दुलारे। ये सब आज के जमाने की गीते हैं। अच्छा एक गीत और हम चाहेंगे, बड़ा प्रसिद्ध गीत है आपकी, वो नेटवाइन की गीत कोई गाते हैं, बड़ा लोग चाव से सुनते हैं उसको, बड़ा जब भी कहीं गाते हैं आप तो उसका बड़ा फरमाइश होती है किसी। ये तो मैं गाया जब बनारस गाजीपुर में जब एंट्री किया तो उस समय ये गीतें चली थी, नेटवाइन गीत, डफरा की गीत, हुरका की गीत, पखाउंच की गीत। तो ये नट बिरादरी के लोग नेटवाइन ये सब गीतें गाती है। जैसे बारात बारात में चली गई, पहले मरजात बारात रहती थी, अब तो नहीं रह रही, लेकिन जब जाती थी तो एक बोली बोलती थी, अरे चले पियर पियर धोती है समाधि, अरे कराई लिया बल जोरी पिया गावन, अरे कराई लिया लो बल जोरी पिया गावन, तई दिए मलिकर कच कच आवा बाबा बनाउल रहे नट बाबा आशीर्वाद, तई दिए मलिकर, अरे ससुरे में सुनी लो, अरे पक्की मकान बा ससुरे में सुनी लो, तई दियो मलिकार चार जानी बन जा मुलाई करो तो ये गबड़ू भाई खाली कोई का वही बुरा बड़ा खिलाड़ी बनो, अरे ससुरे में सुनी लो पक्की मकान बा जाते घर मड़ई छवावे लगल बोल जोरी से गावन, अरे कराई लिया बोल जोरी पिया गावन, अरे कराई हो कराई लिया, तंदिया प्रधान जी आज बड़ा खिलाड़ी बना हो
बलजोरी से गावाना, अरे कराली हलो बलजोरी पिया गावाना। ये सब गीते थी उस समय की, ये सब गीते थी ना। आज भी गाने के बाद लोग सुनते हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है आपके मुंह से ये गीत। बिल्कुल, ये पुरानी गीते बहुत अच्छी लगती है, लेकिन नए जनरेशन में अब सुनने वाले लोग ऐसे हुए हैं तो उन लोगों लायक भी हम लोगों को कुछ कहना पड़ता है। इसको मजबूरी मान लीजिए, चाहे जरूरी मान लीजिए, ये मजबूरी है। सबको मिला कर चलना, सबको मिला कर कब चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सुरेंद्र यादव जी हैं बिरहा सम्राट, और हम थोड़ा सा बात करेंगे विजयलाल यादव के साथ संगत कर। राम कौल भाई हैं, ये भी गाजीपुर से चल करके यहाँ पर आए हैं धर्मेंद्र भाई का हाल चाल जानने के लिए। स्वागत है आपका राम कौल भैया। आपके आधुनिक भारत चैनल को हमारा भी स्वागत है। और पूछिए क्या कहेंगे, धर्मेंद्र भाई घायल हो गए थे, और घायल होने के बाद कई दिन तो काफ़ी उनको दिक्कतें हुई, लेकिन उसके बाद जैसे अब ठीक हो गए हैं, उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र तो बिरहा नहीं गा पाएंगे, आपको क्या लगता है? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, धर्मेंद्र पहले भी गाते थे। हाँ, आज भी गाएंगे। हाँ, और गाते रहेंगे। कहने वाले कुछ चुतिया हैं, जो भी हो चुतिया। हाँ, जो किसी के विषय में अगर गलत सोचेगा वो खुद गलत है। हम तो पूरा बिरहा जगत को कहते हैं, धर्मेंद्र किसी से खराब गाता नहीं। आपसे बता रहे हैं कि किसी से खराब नहीं गाता। जलने वाले हर कलाकार के पीछे कोई ना कोई, माने अच्छाई माने चाहे बुराई माने, कोई किसी का प्रेमी है तो कुछ ऐसे भी दुश्मन है। ठीक ना। हम कह रहे हैं सुरेंद्र भाई बहुत अच्छे गाते हैं। कुछ ऐसे गाते हैं कि सुरेंद्र ठीक नहीं गाते हैं, वो ये कहते हैं वो कहते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हम बहुत दिन से विराम है, 7 रुपया पेट्रोल था तब से हम विराम है, लेकिन हैं हम तो भाई बर्दाश्त नहीं करते। तो ऐसे लोग क्यों करते हैं? उनकी कमजोरी मानिए, कमजोरी है। उनको लगता है कि धर्मेंद्र कहीं ना कहीं मजबूत नहीं गा पाते हैं। हाँ, चाहे उनसे गाएंगे तो हमको दिक्कत होगी। अच्छा, इसीलिए कहेंगे कि नहीं वो अच्छा नहीं गाता, फलाना को कर लेंगे तो बहुत अच्छा गाता। ऐसी कोई बात नहीं, बिरहा ऐसी विधा है इसमें सबको मिलकर रहना चाहिए, लेकिन बिरहा ऐसा माने गड़बड़ भी है आज की डेट में कि अगर सुरेंद्र को हम करने जा रहे हैं तो सुरेंद्र तो अच्छे नहीं गाते हैं। वो तो आएंगे तो ये फलान, माने बड़े कलाकारों में ये चीज देखने को मिलती है। हाँ, बड़े कलाकारों को हम कर रहे हैं। हाँ, कि वो उतना गा रहे 3 घंटा सुरेंद्र तो उलझल उलकाता है। हाँ, वो गाने जुग नहीं, बड़ों कलाकारों की बात कर रहे हैं। हाँ, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए जी। कलाकार होता है, कलाकार की बिरादरी एक होती है जी, कलाकार की बिरादरी एक होती है। हम तो ये कहते हैं कि जिसके नाम पर प्रोग्राम आए उसको माने गवाना चाहिए। कुछ आदमी है कि सुरेंद्र को मत करिए, उनको मत करिए, ये बहुत अच्छा है, इसे हम भाई जन्म रखते हैं। ठीक है, तो ये राम कौल भाई थे, और राम कौल यादव जी हैं, अभी सुरेंद्र यादव जी के चेला हैं, शिष्य हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए हम इससे बात नहीं करेंगे, कभी बाद आपसे बात इस मैटर पर करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी के पिताजी हैं, उनसे हम थोड़ी से 2 शब्द बात करेंगे। देखिए, ये धर्मेंद्र यादव जी के पिताजी हैं, सबसे पहले आपका चरण स्पर्श है हमारे इस चैनल में। चाचा जी क्या नाम है आपका? घुरा यादव। घुरा यादव जी। धर्मेंद्र यादव के लड़के हैं और बिरहा गाते हैं। कब से बिरहा गाते हैं ये? बिरहा तो छोटा था वही से गावा लगा मैं। ये टाइम तो निघाई बड़ा था 10 दिन से नहीं गावा। अच्छा, जब घायल हो गए धर्मेंद्र तो आपके को पता लगा चाचा? यह पता लगा कि घाई हो गए। अच्छा। हाँ, कुछ बात कहनी हम तो बोल है मैंने अपनी हमके संतोष देवे खातिर कि डॉक्टर बरजत हुआ बोले कि ना। अच्छा, तो बड़ा दर्द होले आपके? अरे जरूर भाई। तो कौन लेके पाना आपको? वो अकेले पाना तो और बड़ा दुख के बात, बाकी हमारे लेके कहीं लेके घायल हो गया है। और ऐसे में चाचा आजकल लोग यही कहते हैं धर्मेंद्र बिरहा गावला कि ना रहल बा। देखिए चाचा कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं, नहीं भावुक मत होइए। धर्मेंद्र यादव के साथ लाखों लोगों करोड़ों लोगों का एक आशीर्वाद है, प्यार है, और इतना जल्दी इनको कुछ होगा नहीं। काफी मजबूती से अब एक बार फिर बता रहे हैं धर्मेंद्र, हम बिरहा गाएंगे, हम कभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमें बिरहा हर में कोई हरा नहीं पाएगा। नहीं तो ऐसा कम हो, खाए पिए खातिन के हम कहे ना कि पूरा हस्ती बिक जा जी, बाकी कमजोरी खाना मत करा ना बाबू, फूट गेल बेका हो खियाई ला खूब चाप के ना। हम कहले कि पूरा हस्ती हमर खा जाए उ ठीक है। हां, पूरा हस्ती खा जा, पूरा कुछ खा जा, लेकिन माने कमजोरी मत रहे। हां, कहले कमजोरी होके तो छोड़ दियो। हां,
पानी मत गई है। आज प्रधान जी एकदम उनका धर्मेंद्र गुरु हम सुरेंद्र यादव का कहब उनका खातिर। अरे भाई बहुत मदद कर लो प्रधान जी, बहुत मदद कर लो ना। तो ये धर्मेंद्र यादव के पिताजी हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र मतलब कुछ भी खाए हम बिल्कुल खिलाने के लिए तैयार रहते हैं, कमी उसको ना हो। और धर्मेंद्र बिल्कुल ठीक हो गया है, अब विरहा गाएगा, कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। जो कह रहा है गलत कह रहा है। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद जय।